डियर स्टूडेंट्स ना वी विल डिस्कस द कागनिशियन डिजोनेस थेरी कागनीशियन डिजोनेस थेरी यह एटीच्यूड रिलेटेड थेरी होती है जो कि जॉब सर्सियर से जिसका लिंक होता है कागनेटिव डिजोनेंस इज एनी इनकम्पेटिबिलिटी आर इनकसिस्टेंसी बिटवीन एटीच्यूड और बिहेवियर बिटवीन एन एटीच्यूड अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहेवियर एटीच्यूड के बीच में जो कंसिस्टेंसी है या बिटवीन बिहेवियर एटीच्यूड के बीच में जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको ये थेरी डील करती है काग्नीशन का मतलब है कि जो आपके माइंड में है बिहेवियर का मतलब जो आप काम कर रहे हैं नॉर्मली इनमें कंसिस्टेंसी होती है लेकिन अगर इनमें इनकम्पेटिबिलिटी है कि अगर आप सोच कुछ हो रहे हैं कद कुछ हो रहे हैं तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट करेगी इसी को हम कॉग्नेटिव थेरी कहते हैं एटीट्यूड सर्वे सम टाइम सम्प्लाई के एटीट्यूड को मैय करने के लिए हम कई किस्म के क्वेश्चन लोगों में सर्कुलेट करते हैं और आपको मालूम ये स्टूडेंट्स होगा क्वेश्चन एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जिसका कोई मकसद होता है और जब उन क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस लॉजिक ऑर्डर फॉर्म में लाया जाता है तो उस सारे प्रोसेस के बाद जो चीज़ फाइनल बनती है उसे क्वेश्चन एयर कहते हैं तो एटीट्यूड्स आप मैयर करने के लिए इम्प्लॉ का एटीट्यूड सर्वे भी कर सकते हैं जिसमें इंप्लॉई का एम्प्लायर से रिलेशन इम्प्लॉई का अपने सुपरवाइजर से रिलेशन अदर के साथ रिलेशन उसकी जॉब के मुतल क्या फीलिंग्स हैं इनको मैं करके हमें आइडिया होता है कि हाउ मनी टाइम दैट इम्प्लाई विल रिमेन विद इन दी आर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर मैनेजर्स मैनेजर शुड भी इंटरेस्टेड इन दर इंप्लाईज एटीट्यूड बिकॉज द इन्फ्लुएंस बिहेवियर मैनेजर मोटिवेटेड लोग होते हैं मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लायल होते हैं जो कि नॉर्मली कहा देखा सुना गया है अब वो जो मैनेजमेंट लेवल पोजीशन में है उनका फोकस ये है कि एम्प्लॉज से बेटर काम लिया जा सके वो उनके एटीट्यूड को बिहेवियर को मुतासर करते हैं पॉजिटिव वे में फिर उसको वो चेक भी करना चाहते हैं कि वेदर दे हैट उसके लिए जो सर्वे किए जाते हैं उसको एटीट्यूड सर्वे कहते हैं और ये फिर मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उस बेस के ऊपर फिर पॉलिसी फार्मूलेट की जा सकें पर्सनैलिटी एनी इंडिविजल पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स इमोशनल थाट्स एंड बिहेवियर पैटर्न इमोशनस थाट बिहेवियर इन तीनों के जो पैटर्न है उसका जो मजमू है वो उसकी पर्सनैलिटी है इन अदर वर्ड्स ऑल द ट्रेड्स विच इंडिजअल इन हिज बॉडी इट इज आल्सो नोन एज हिज पर्सनैलिटी और हर पर्सनैलिटी जो पर्सनैलिटी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरेबल ट्रेड दैट अ पर्सन एग्जिबिट से पता चलती है कि वो कौन कौन से ट्रेड्स है वैसे एक बंदा सच बोलता है आनेस्ट है कमिटेड है लाइल है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ वफादार है उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता इंटेंशन टू लीव नहीं है इन्वॉल्व है अपने जॉब में तो ये उसके बिहेवियर से इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है तो ये चीज़ें जब आप जज कर लेंगे उसके बिहेवियर से थाट से उसकी कॉग्निशन से तो ये ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेगा एम बी टी आई वन पॉपुलर अप्रोच टू क्लासीफाइड ये स्टूडेंट्स ये बेसिकली वन हंड्रेड क्वेश्चन हैं जिनका बुनियादी मकसद इम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को असेस करना है ताकि हमें पता चला पता चलाया जा सके कि डिफरेंट सिचुएशन में इंप्लाई कैसे बिहेव करेगा तो ये अप्रोच बेसिकली एम कहलाती है बिग फाइव मॉडल वर्जन द डिग्री टू विच समन इज कि कितना वो लोगों से इंट्रैक्शन करना चाहता है एक्स्ट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट सेल्फ सेंट्रेड है एक्सट्रोवर्ट सोशल इंटरेक्शन पसंद करता है एग्रीएबलनेस द डिग्री टू विच समन इज गुड नेचर्ड कोऑपरेटिव इंटरेस्टिंग ये एग्रीएबलनेस है बाकी लोगों से उसका कोऑपरेशन लेवल है कॉन्शियसनेस द डिग्री टू विच समन इज रिलायबल रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेबल ये कॉन्शियसनेस है इसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है उसकी हाउ मच ही और शी हैज़ कंट्रोल ऑन हिज इमोशन दैट इज ई आई इमोशनल ई क्यू इमोशनल क्वेशन और ओपननेस टू एक्सपीरियंस नए आने वाले काम को कितना आसानी से वो एक्सेप्ट करता है एज अ चैलेंज लेके तो ये जो पांच ट्रेड्स हैं इसकी बेस पे जो मॉडल डेवलप हुआ उसे बिग फाइव मॉडल कहते हैं एट टाइम अडिशनल पर्सनैलिटी इन सैट्स भी देखी जाती हैं एम्प्लॉइज के अंदर जिसमें लोकस ऑफ कंट्रोल है उस बंदे का मैकेविलिज़म है सेल्फ एस्ट्रीम है सेल्फ मोनिटरिंग है रिस्क टेकिंग है ये बेसिकली ट्रेड्स पर्सनैलिटी के हैं जो कि इस बिग फाइव मॉडल के अलावा हैं और इन सब को कम्बाइन अगर किया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी ऊपर बनती है और इन सब का कोई मकसद है फर्ज करें अपने फाइनेशियल एनालिस्ट लेना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे वो बंदा होना चाहिए जो कैलकुलेटर रिस्क ले सके क्योंकि फाइनेस में ये भी कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न लो रिस्क लो रिटर्न तो इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडरशिप के अंदर ये सारे ट्रेड्स मौजूद हों ही कैन डील द ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर वे